नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिसवाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पाटन विधानसभा के पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक अजय बिश्नोई का जन्मदिवस सभी धर्म वर्ग जाति के लोगों ने बड़े आनंद व हर्षोल्लास के साथ मनाया। आपकी इस लंबी जनसेवा अवधि को जन आशीर्वाद के रूप में मनाया। अविभाजित मध्य प्रदेश संयुक्त छत्तीसगढ़ की तत्कालीन 320 विधानसभाओं में टॉप 10 विधानसभाओं में अपनी विधानसभा क्षेत्र की कटंगी मंझौली को विश्वास के मामले में प्रथम स्थान दिलाने का श्रेय हासिल करने के बाद से उनकी विधानसभा विश्वास के रथ का पहिया आज भी निरंतर तेज गति से घूम रहा है। इस मौके पर पक्ष विपक्ष एवं सभी पार्टियों के लोगों के साथ पीए अर्जुन बर्मन, स्वागत मोहम्मद खान, निराले साहब, तंजील ईशान, एडवोकेट तकमील नासिर एवं सभी पार्टियों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जरा बताइए, आज आप लोग यहाँ पे काफ़ी ढोल नगाड़े के साथ यहाँ उपस्थित हुए और माननीय लोकप्रिय विधायक पाटन विधानसभा क्षेत्र के अजय बिश्नोई जी का आप उन्हें पुष्पगुच्छों से स्वागत किया, क्या अवसर था? आज असल में हमारे बड़े भाई साहब माननीय अजय बिश्नोई साहब का 70वां जन्मदिवस है और हम इसको जन आशीर्वाद के रूप में मना रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि महाकौशल की शान हम यूँ ही नहीं कहते। शायद विदित होगा कि जिस वक्त ये संयुक्त मध्य प्रदेश था, तो संयुक्त मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी आता है, 320 विधानसभा सीटें होती, जिसमें टॉप 10 सीटों में नंबर 1 कटंगी मझोली की सीट आई। उस ज़माने में जो ये विकास का चक्र चला निरंतर आज तक जारी है। आज भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश की 10 सड़कों के लिए करोड़ों रुपये आवंटित किए, जिसमें बड़ी खुशी की बात है कि 10 सड़कों में 7 सड़कें भैया पाटन के लिए लेके आए। एक विकास पुरुष के लिए जन्मदिन मनाना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हमारा ऐसा मानना है कि महाकौशल की शान है अपनी विधानसभा ही नहीं, अपितु मध्य प्रदेश के कहीं से भी कोई भी नागरिक आता है और अपनी समस्या का जब बताता है तो भाई साहब उसका उस समस्या का निदान करते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी बहुत दीर्घायु हो और बहुत स्वस्थ रहें वो और उनका साया हम लोगों के सर पे बना रहे। सर अपना पर्ची देंगे। मैं प्यारे साहब सदस्य मध्य प्रदेश राज्य सर्व शिक्षा अभियान मिशन। भाई साहब आज आपके कार्यकर्ता बड़ा हर्षोल्लास और उत्साह के साथ ढोल नगाड़े के साथ आज आपका जन्मदिन मना रहे हैं, कैसा महसूस करें भाई साहब बताएं इसको? अरे किसी के जीवन में जन्मदिन एक पड़ाव रहता है, एक के बाद दूसरे पड़ाव तय करते हुए चलते हैं और जब हम पिछला पड़ाव पूरा तय करके अगली मंजिल की तरफ उठते हैं तो लोगों की शुभकामनाओं के, लोगों के प्यार के, लोगों के आशीर्वाद की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस दिन पर हम लोगों का ये सौभाग्य है कि इतने सारे लोगों का इतना उत्साह पूर्वक हमको प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, यही हम लोगों के जीवन की सफलता का सबसे बड़ा जो है मार्फत बनता है। आप सब मित्रों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।